कि नाम बदलकर एसपी सरकार ने भीमराव अंबेडकर के नाम का अपमान किया है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में वर्तमान सपा सरकार में हर स्तर पर काफी ज्यादा अपमान हो रहा है, और इस मामले में उदाहरण के तौर पर इनके नाम पर बनाए गए जिले, यूनिवर्सिटी व जनहित की योजनाओं को बदलना तथा इनकी मूर्तियों को तुड़वाना आदि प्रमुख है। साथ ही मायावती ने सवाल उठाया कि सूबे में दलितों का अपमान क्यों किया जा रहा है। यूपी में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल सिंह ने विपक्ष को निशाने पे लिया है। शिवपाल सिंह यादव ने बसपा के केंद्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मौर्य ने चुनाव प्रचार के दौरान जो गाड़ियां खरीदी थी वो गेहूं क्रय केंद्रों के पैसे की है, जिसकी जांच चल रही है और इसके बाद मौर्य पे कार्रवाई भी की जाएगी। इसके पहले मंगलवार को बीएसपी ने जनेश्वर पार के मुद्दे पे सपा को घेरने की कोशिश की थी। तो ये 50-50 लाख के ड्राफ्ट गए थे, जो खरीद कर किसानों को जिसका भुगतान होना था वो किसी एक आदमी ने निकाल लिए थे। और पता लगा लेना इनकी, जब मौर्य जी का चुनाव हो रहा था, हाँ, जब भी मैं बता दे रहा हूँ उस समय। खिसियानी बिल्ली कुंभन हो चुकी, समाजवादी पार्टी के लोग सरकार चला नहीं पा रहे हैं, बेबुनियाद बात करके केवल समय गंवाने का काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता में आज भूल झुकने का काम कर रहे हैं। इतना तो तय है कि इन आरोप के चलते हंगामा तो जरूर मचेगा। क्या भजन कीर्तन करके आपदा से बचा जा सकता है? आपदा प्रभावित लोगों को ये सलाह दी है उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। बहुगुणा ने इस दौरान एक विवादास्पद बयान भी दे दिया। सीएम ने लोगों को बाढ़ और आपदा से बचने के लिए भजन कीर्तन करने की सलाह दी। मुख्यमंत्री का कहना है कि आपदा से बचने के लिए भजन कीर्तन करना चाहिए। इधर उत्तरकाशी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बहुगुणा ने पूरे इलाके का दौरा नहीं किया और आधे ही रास्ते से वापस चले गए। जब लोगों को इसका पता चला तो प्रभावित लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की और सीएम का पुतला भी फूंका। उत्तरकाशी में राहत कार्य के लिए अब सेना जाएगी, लेकिन सेना को मौसम के साफ होने का इंतजार है। उत्तरकाशी में आई आपदा से करोड़ों का नुकसान हो गया है, लोग घरों से बेघर हो गए हैं, हालात काफी खराब हैं। उत्तरकाशी को राज्य से जोड़ने वाली सभी प्रमुख सड़कें भी टूट चुकी हैं। हालात इतने खराब हैं कि आज सेना को राहत कार्य के लिए उतरना पड़ा। सेना के दो चेतक हेलीकॉप्टरों को उत्तरकाशी में जाके आपदाग्रस्त लोगों के बचाव और राहत सामग्री के लिए भेजा गया है। ये हेलीकॉप्टर जाके वहाँ राहत सामग्री के साथ दवाई भी देंगे। हालांकि मौसम काफी खराब है। लेकिन सेना के जवानों का ये कहना है कि मौसम साफ होते ही वे उत्तरकाशी के लिए उड़ान भर देंगे। उत्तराखंड में भारी आपदा के बीच कई गांवों का संपर्क टूट गया है। कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उत्तराखंड के पेयजल मंत्री और देवप्रयाग विधानसभा के विधायक मंत्री प्रसाद नैथानी ने श्रीनगर के आपदा प्रभावित धारा देवी और टेहरी क्षेत्र के आपदा प्रभावित गांवों का जायजा लिया। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना की झील से टेहरी के दर्जनों गांवों को जोड़ने वाला पुल बह गया है, जिससे उनकी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में संपर्क टूट गया है। मंत्री प्रसाद नैथानी आपदा प्रभावित गांवों तक नाव के जरिए पहुंचे, जहां वे ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। उन्होंने जिला प्रशासन को इन गांवों की समस्याएं दूर करने के आदेश दिए। यहां पर धारी गांव में गया और इधर का मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया। पुल के बहने से यहां पर लोगों के आने जाने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। इस पर मैंने आज निर्देश दिए हैं जिला प्रशासन को भी और कंपनी वालों को भी कि यहाँ पर तत्काल जो है ट्रॉली लगा करके नंबर वन ट्रॉली का यहाँ पे संयोजन करें और दूसरा जो बिजली और पानी की जो किल्लत है उसको तत्काल उसका समाधान होना चाहिए। नैथानी ने जल्द से जल्द आवाजाही के लिए इन गांवों में झील पर ट्रॉली लगाने के आदेश दिए।
शिक्षा के अधिकार का कानून बनने के बाद भी शिक्षा के स्तर में कोई भी खासा सुधार होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। सरकार शिक्षा के प्रति कितनी गंभीर है यह मिर्जापुर के सरकारी विद्यालयों को देखकर समझा जा सकता है। नया शिक्षा सत्र शुरू हुए महीने भर का समय बीत जाने के बाद भी प्राइमरी विद्यालयों में पुस्तकों का वितरण किसी कक्षा में अधूरा तो किसी में हुआ ही नहीं है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 6, 7, 8 में आधी किताबें ही छात्रों को मिली हैं। विद्यालय के अध्यापक भी किताबों के आने का इंतजार कर रहे हैं। किताबों के न मिलने से छात्रों को पढ़ाई में दिक्कत आ रही है। बरेली में अनाथ बच्चों के लिए बना अनाथालय जर्जर हो चुका है। अनाथ होना किसी अभिशाप से कम नहीं। बरेली में अनाथ बच्चों को रहने के लिए बनाया गया अनाथालय जर्जर हो चुका है। यहाँ किसी भी वक्त कोई अनहोनी हो सकती है। बरसात में छत से भी पानी टपकता है जिसकी वजह से इन बच्चों को पूरी रात जाकर गुजारनी पड़ती है। यहाँ के प्रबंधक भी अनाथालय की इस हालत को देखकर काफी दुखी हैं। लोग अनाथालय को चंदा देते हैं जिससे ये अनाथालय चलता है। सरकार की बार बार समय सरकार सब जानती है, राज्य सरकार को पता है, केंद्र सरकार को पता है कि आर्य समाज का अनाथालय बड़े दिन चल रहा है और बहुत पुराना अनाथालय 1883 का है। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया हुआ अनाथालय है, परंतु समय समय पर यहाँ पर कभी कोई अधिकारी दूसरे लोग अपने स्तर से तो सहायता करते रहते, पर राज्य सरकार से केंद्र सरकार से कोई कसर नहीं मिलती। बड़ा सवाल ये है कि क्या इन अनाथ बच्चों को देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है। हमीरपुर में मुसलमानों ने ईद न मनाने का ऐलान किया है, ये लोग बिजली कटौती से परेशान है। हमीरपुर में भीषण बिजली कटौती से नाराज लोगों ने मुख्यमंत्री से डीएम हटाने की मांग की है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह कदम उठाया है। दरअसल रोजे के दौरान रोजाना ही बिजली कटौती से लोग परेशान थे, इसीलिए लोगों ने बैठक कर यह फैसला किया कि इसकी शिकायत सीएम से की जाए। मौलाना और काजियों ने डीएम को नहीं हटाए जाने की हालत में ईद का त्यौहार नहीं मनाने का ऐलान किया है। जिलाधिकारी महोदय और सीओ सदर का स्थानांतरण किया जाए और रोजगार मुसलमानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनको 20 तारीख को एक मामूली सा धरना प्रदर्शन हुआ था और बिजली कटौती के रोजगार में थोड़ा सा बदलाव करने के लिए उसमें जिलाधिकारी महोदय और सीओ सदर की भूमिका ऐसा लगा कि ये लोग मुस्लिम विरोधी। इस ऐलान से जिला प्रशासन सख्ते में है। अब आप महज 2 घंटे के अंदर तय कर सकते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत यानी ताजमहल का सफर। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे के आम जनता के लिए खुलने के साथ ही नोएडा से ताज नगरी की दूरी सिर्फ 2 घंटे में सिमट गई है। 13,300 करोड़ की लागत से बना यमुना एक्सप्रेसवे 9 अगस्त से आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित समारोह में एक्सप्रेसवे का बटन दबाकर करेंगे। इस मौके पर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव व जेपी समूह के बड़े अधिकारी भी मौजूद होंगे। इसी के साथ नोएडा से वाहनों का आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ताज नगरी आगरा तक का सफर तय करना है तो इसके लिए आपको अपनी जेब भी ढीली करनी है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे का टोल टैक्स आम टोल के मुकाबले काफी ज्यादा है। बरेली में पकड़े गए अयाज छात्र, ये छात्र कॉल गर्ल के साथ अयाजी कर रहे थे। अच्छी शिक्षा ग्रहण करने आए ये छात्र अपने हॉस्टल में एक कॉल गर्ल को लेकर अयाजी के लिए आए थे। इसकी खबर पड़ोसियों ने पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कॉल गर्ल सहित 4 छात्रों और एक किन्नर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। छात्र मीडिया के कैमरे के सामने अपने को बेगुनाह बता रहे हैं। आगरा के अर्जुन नगर सिंधी कॉलोनी में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। ये अजगर करीब 8 फुट लंबा था। दहशत के कारण लोगों ने इस अजगर को डंडों के सहारे नाले में गिरा दिया। कॉलोनी के लोग इस अजगर को देखकर सहम गए। कॉलोनी के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग की टीम को भी बुला लिया।
पुलिस की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर को अपने साथ लेकर चली गई। यूपी सरकार के सिंचाई और पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अफसरों को कड़े निर्देश भी दिए। प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ से आहत शिवपाल यादव ने श्रावस्ती के एक डाक बंगले में मंडल के बाढ़ खंड एवं निर्माण खंड के तमाम अफसरों के साथ बैठक की, जहां पर बाढ़ की समस्या को लेकर बाढ़ प्रभावित इलाकों के सभी बात को पक्का बनाने की बात कही गई। अब ये तो बाढ़ का तो पुराना है, अब एकदम थोड़े हो जाएगा, लेकिन हमारा प्रयास है कि जितने भी बंदे हैं, बंदे मजबूत और उसके साथ साथ हम पक्के बंदे भी बनाने की योजना बनाकर तुरंत इनको पक्के कराएंगे। शिवपाल यादव ने बहराइच जिले में घाघरा घाट पर सालों से चल रहे अवैध टोल टैक्स के बैरियर को हटाने का निर्देश भी दिया। घाघरा में आई बाढ़ से बाराबंकी के लोग हो गए हैं बेघर। घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसकी वजह से बाराबंकी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नेपाल ने जो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा है, उसी की वजह से घाघरा का जलस्तर बढ़ा है। इस वजह से नदी के किनारे बसे गांवों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है और वो मदद की राह ताक रहे हैं। सीतापुर में बाढ़ ने गांव में कहर मचाना शुरू कर दिया है। लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी ने जनपद सीतापुर के विकास खंड रेवसा के गांव में कहर मचाना शुरू कर दिया है। पानी बढ़ने के कारण गांव में दहशत व्याप्त है। सैकड़ों की संख्या में लोग ऊंचे इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकारी मदद ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। प्रशासन ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण कर मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। प्रशासन के लाभ दावों के बाद भी बाढ़ पीड़ितों को अब तक प्रशासन की ओर से कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं हो पाए। वाराणसी में घाटों पर पानी जमा हो जाने से लोग बेहद परेशान हैं, और तो और अब इस पानी से मुर्दों की भी शामत आ गई है। गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से सभी घाट बह चुके हैं। घाटों पर रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो शव का अंतिम संस्कार करने यहां आते हैं। ये गंगा का जलस्तर ये लगातार जो कि बढ़ रहा है, इसके वजह से यहाँ पे जो कि मुर्दा उर्दा जलाने में जो कि बॉडियां आ रही है, तो उसको रख के ये छत पे जलाना हो रहा है। यहाँ मुक्ति के लिए आते हैं, यहाँ पे जलने मात्र से मुक्ति मिलती है। जगन नहीं है, ऊपर जो कि जल रहा है और जो कि छत पे जलवाना पड़ रहा है, और तमाम दिक्कतें मजदूरों को भी होती है। लकड़ी अपनी धोने में ऊपर गिर सकते हैं, चोट चपेट लग सकती है। घाटों पर हर तरफ पानी भरा है और इसीलिए शवों को घाट के ऊपरी हिस्सों में जलाया जा रहा है। बुलंदशहर में हुआ है नेताजी का अपमान। यहाँ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को उजाड़ दिया गया। अगस्त क्रांति की वर्षगांठ के दो दिन पहले बुलंदशहर नगर पालिका ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है। शहर में कई दशकों से मौजूद नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क को रातों रात बुलडोजर चलाकर उजाड़ दिया गया और मूर्ति को नगर पालिका के कबाड़ में डाल दिया गया है। अब पार्क की जमीन पर ओवरब्रिज बनेगा। जो सुभाष चंद्र जी का पार्क था, आज वो सुबह मैं जब यहाँ से घूमने निकला तो बिल्कुल त्रस्त दिखा दिया। मूर्ति कहाँ गई और पार्क पे क्या बेहाल कर दिया? ये विकास जो हो रहा इन्होंने किया है, नगर पालिका ने किया है या किसने किया है, ये पता ही नहीं पड़ रहा है। और ये देश को आजाद कराने वाले सुभाष चंद्र जी की मात्र एक इकलौता पार्क शहर में था, आज वो बिल्कुल नजारा है। और मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जिस तरह से इस पार्क को उजाड़ दिया गया है, तुरंत इस कार्रवाई करते हुए इसे कहीं ना कहीं स्थापित किया जाए। वहीं लोगों में नगर पालिका के इस कदम से आक्रोश भी है और लोग इसे नेताजी का अपमान भी बता रहे हैं। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी एक बार फिर शुरू हो गई है। अब प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं बन सके, तमाम हो हंगामे के बावजूद रावत पर विजय बहुगुणा भारी पड़े।
लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष के पद को रावत झटकना चाहते हैं, इसलिए वे कभी क्षेत्रीय संतुलन की बात उठाते हैं तो कभी सीमांत क्षेत्र के कांग्रेसियों को सम्मान देने की दुहाई देते हैं। साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से यशपाल आर्य को हटाना हरीश का मकसद बन गया है, इसलिए हरीश और खुद उनके समर्थक विधायक